दोस्तों, एक बार फिर से एक नया कंसेप्ट लेकर आए हुए हैं जिसको हम कहते हैं ऑयल मिल सीरीज। इसके बारे में जानकारी लेंगे सर के साथ में। हेलो सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। जी, तो आज हम क्या देखेंगे इस मिल्क सीरीज के बारे में? सीमा जी, जैसे कि आपने वीडियो स्टार्ट करते हुए बताया है, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जैसे आप जिस प्रोडक्ट को आप अपने डेली डे टू डे रूटीन में तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में अपने लिए एक अच्छा खासा रोजगार भी बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहनों, माताओं, आपको पता है कि जो तेल है, एक तेल ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे डेली डे टू डे रूटीन लाइफ में हम घरों में यूज करते हैं, चाहे हमने खाना बनाना है, किसी भी काम में है। शुरुआत हमारा जो किचन की शुरुआत है वो तेल से होती है, और शुद्धता सबसे पहले हमारी आंखों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर ऑर्गेनिक खेती की बात करें, आपने ऑर्गेनिक खेती कर ली, बीज आपने बढ़िया तैयार कर लिए, लेकिन मार्केट में जब आप उनको पिसाने के लिए जाते हो तो उनका जो तेल होता है वो हमें नहीं पता होता कि वो तेल, क्योंकि दुकानदार कह देता है कि ठीक है आप 2 घंटे बाद आइए, शाम को आइए, शुद्धता कहीं ना कहीं सफर होती है उसमें। तो ये जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, ये जो सीरीज है, इसका मेन मकसद यही है कि गृहणियाँ या मेरी महनें, जो माताएँ हैं, जो मेरे भाई अपना नया बिजनेस यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी आँखों के सामने खुद की संतुष्टि भी रखें और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करते हुए मेन जो शुद्धता का पार्ट है वो सबसे पहले इसमें हमने निगाह में रखा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मशीन के साथ में। तो ये छोटी मशीन है, ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप बताइए। सीमा जी, सबसे पहले ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसको मिनी ऑयल मिल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये इसके नाम से ही क्लियर है, एक बहुत छोटी सी मशीन है, देखने में छोटी है लेकिन ये काम बहुत बढ़िया करती है। इसको आप अपने जो किचन का स्लैब है वहां पे आसानी से आप रख सकते हैं। जितनी जगह एक मिक्सर जूसर लेता है उससे भी कम जगह में ये मशीन वहां पे रखी जा सकती है। ये जो ऊपर हॉपर देख रहे हैं, इसमें आपने बीज डालना है, किसी भी किस्म का जो बीज है जिसमें से तेल निकलता है, चाहे आप सरसों की बात करें, तिल की बात करें, नारियल है, बादाम है, मूंगफली है, सोयाबीन है, जो भी बीज आपने डालना है पीछे से प्लग ऑन करना है, आगे से इसकी खली निकलेगी और नीचे से जो शुद्ध तेल है आपकी आंखों के सामने एकदम बनके तैयार होकर निकलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम अपने किचन में और दूसरे इम्प्लायमेंट्स यूज करते हैं, मिक्सर वगैरह, सेम उसी तरीके का बिजली यूनिट उतना ही खर्च होने वाला है घर का, उससे भी कम बिजली कंजप्शन है इसकी। ये जो मॉडल है इसमें 600 वॉट की मोटर लगी हुई है। अगर इसकी बिजली कंजप्शन की बात करें तो ये घंटे का 1 यूनिट से भी कम बिजली कंज्यूम करेगी। और वहीं अगर हम इसकी जो सीड कंजप्शन की बात करें, जो सीड क्रशिंग कैपेसिटी है इसकी, वो 4 से लेकर 5 kg प्रति घंटे की इसकी सीड क्रशिंग की कैपेसिटी है। उसमें से जो तेल निकलना है वो अलग अलग बीज के हिसाब से डिपेंड करता है, किसी बीज में 45% है, किसी में 40% है, बीजों पे डिपेंड करता है कितना तेल निकलेगा। ठीक है, सो दोस्तों, जैसे कि आप ये छोटी सी मशीन देख रहे हो, मिनी मशीन है ये, हम अपने घर में लगाते हैं तो बहुत फायदेमंद की चीज है। आप सबको पता है कि आजकल की गृहणियां हैं, किचन में बहुत टाइम लगता है, गर्मी होती है, तो उससे बचने के लिए काफी अच्छा भी है। और ऑर्गेनिक चीज आपको मिल रहा है, प्योर और शुद्ध तेल आपको घर में मिल जाएगा। आपको जैसे कि बाल झड़ रहे हैं तो आपको प्योर नारियल का तेल बनाना है तो खुद अपने घर में बना सकते हो, अच्छा तेल आपको मिल जाएगा। प्लस कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आजकल घर घर में है, वो भी तेल, अलग तरीके का गलत तेल हम खाते हैं उसके वजह से होता है। तो आप अपने आंखों के सामने खुद का अपने हाथों से एक प्योर तेल बना सकते हो, शुद्ध तेल बना सकते हो, और ऑर्गेनिक तेल खाइए और अच्छी सेहत आप बनाइए। इस तरह की एक छोटी सी मशीन हमें बहुत फायदे देती है। चलते हैं एक और मशीन के पास में, आइए आगे की डिटेल लेते हैं सर के साथ में। सर, ये थोड़ी सी बड़ी मशीन है, इसके बारे में बताइए मुझे। सीमा जी, मिनी ऑयल मिल के बाद हमें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती थी जिन्होंने अपना कमर्शियल लेवल पे काम करना होता था, जैसे किराना शॉप वाले हैं या पंसारी की दुकान वाले हैं जिनके पास कम क्वांटिटी में तेल लगता है। तो ये जो हमने मशीन तैयार की है इसका नाम रखा है मॉडर्न ऑयल मिल। ये साइज आप देखने में लग रहा है उससे बड़ी है। ये जो मॉडल है इसमें हमने 1 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है। अच्छा। ये जो तीनों मॉडल्स हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, सिंगल फेस में है, नॉर्मल जो घरेलू बिजली का कनेक्शन है उन्हीं पे चलते हैं। इसका भी फंक्शन वही है, ऊपर से आपने हॉपर में बीज डालना है, आगे से जो इसका तेल है वो बन के निकलेगा और फ्रंट वाली साइड से जो इसकी खली निकलेगी। प्लस जो इस मॉडल में है, इस मॉडल में हमने टेम्परेचर कंट्रोलर स्विच भी लगा दिया है। आप ये देख सकते हैं, कई बार क्या होता है हमें अलग अलग बीज को, किसी ने कोल्ड प्रेस ऑयल निकालना है या हीट प्रेस निकालना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं इसका। ठीक है,
तो देखिए एक बहुत सारे फ़ायदेमंद मशीन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जितना भी वेस्टेज निकलेगा वो अपने आप, ने चिड़िया पाल रखी है या मुर्गियाँ हैं या बकरियाँ हैं, उनको अपने पशु को दे सकते हो आहार के रूप में, और तेल को यूज़ कीजिए अपने आहार के रूप में, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। प्लस इसमें हम एक छोटा सा बिज़नेस बना सकते हैं, जैसे कि सर ने मुझे बताया कि पंसारी की दुकान है या किराने की शॉप है, आप समझ सकते हो पंसारी की दुकान पर क्या मिलता है, पूजा का सामान। ठीक है, हमारे पूजा में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा गया है। आप इसमें एक बिज़नेस बना सकते हो कि 200-200 ml या 100-100 ml के आप तिल के तेल की आप इस्तेमाल कीजिए। तिल का तेल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पूजा में, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है। प्लस आप समझो इस चीज़ की कि साउथ में जो है नारियल बहुत ज़्यादा उगता है, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नारियल तेल को ही खाया जाता है दाल सब्जी में डाल के। तो आप 200-200 ml की या 100-100 ml की भी नारियल के तेल आप बना सकते हो। ये प्योर शुद्ध तेल होता है, अपने बालों में लगाइए, अपनी स्किन पे लगाइए और उससे खाना भी बना के खा सकते हो, तो बहुत बेस्ट रहता है। बिजनेस आइडिया आपको मैं दे रही हूँ, समझा दिया है, बस करना आपके हाथ में, तो लग जाओ दोस्त, कितना अच्छा आइडिया है। तो दोस्तों अभी एक बड़ी मशीन मेरे सामने है, जो कि ये भी एक बिज़नेस के आधार पर मैं देख सकती हूँ, मेरे दिमाग में आ रहे आइडिया, तो सर से डिटेल ले लेते हैं थोड़ी सी, तो सर बता दो इसके बारे में थोड़ा सा। सीमा जी, जैसे कि आपने मशीन देख के ही कह दिया है, एक बिजनेस आइडिया के हिसाब से ये जो मॉडल है इसको मेगा ऑयल मिल कहा जाता है। ये टोटली कमर्शियल मॉडल है ये। इसमें हमने 1.5 HP की सिंगल फेज कॉपर वाइंडिंग मोटर लगाई गई है। इसकी जो घंटे की अगर बिजली कंजप्शन की बात करें तो 2.5 यूनिट के करीब ये बिजली कंज्यूम करेगी, और जो मॉडर्न ऑयल मिल है वो 1.5 से लेकर 2 यूनिट कंज्यूम करेगी। अगर मॉडर्न ऑयल मिल की बात करें, सीड कंजप्शन इसकी आती है 10 से लेकर 11 kg प्रति घंटे की, वहीं मेगा ऑयल मिल की जो सीड कंजप्शन की रेशियो आती है वो 25 से लेकर 26 किलो की आती है। और इसमें भी हमने टेम्परेचर कंट्रोलर स्विच लगा दिया गया है, बूस्टर स्विच लगा दिया गया है, जिससे आप अपने हिसाब से शुद्ध तेल अपनी आंखों के सामने निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो बड़ी मशीन है, आप समझते हो कच्ची घानी का तेल कितना फेमस है और ज़रूरत भी है कच्ची घानी का तेल। डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं कि आप तेल ऐसा खाइए कि आपके कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाए। तो आपको मैं बिजनेस आइडिया बता रही हूँ कि अपने नाम की ब्रांडिंग करवा करके 1-1 किलो की आप पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो, या 2 किलो या 5 किलो के कंटेनर इसमें बना सकते हो आराम से। आप कम शब्दों में आपको एक लघु उद्योग में बताने जा रही हूँ कि आपके पास लागत कम है तो छोटी मशीन लीजिए, ये बीच वाली जो बता रही हूँ इसको लीजिए। आप अपने नाम की ब्रांडिंग करके शीशियों में तेल आप सेल कर सकते हो, ठीक है, और उसको आप अपना खुद का कॉपीराइट लीजिए, GST लीजिए और ऑनलाइन सेल कीजिए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपी पे जाइए, किसी पे भी जाइए, या आप इन जगहों पे जाकर भी सेल कर सकते हो। बड़ी मशीन जब आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाए तो आप बड़ी मशीन पर कन्वर्ट हो सकते हो, और वहाँ पर आप 5-5 किलो के कंटेनर आप सेल कर सकते हो, और अपनी किराने की दुकानें आसपास की सबके साथ में आप मिलकर के काफी अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपने मार्केट में अपनी धाक जमा सकते हो। तो सर इनकी गारंटी वारंटी बता दो और कौन कौन सा तेल निकाल के दिखाने वाले हो। सीमा जी, रही बात गारंटी वारंटी की, तो छिबर एग्री इक्विपमेंट हर टाइम अपने कस्टमर्स के साथ है। हम अपने कस्टमर्स को 12 महीने यानी कि 1 साल की वारंटी देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको किसी किस्म का कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारी टेक्निकल टीम को आप कह के घर बैठे स्पेयर पार्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि आपने पूछा, मैं अभी लाइव डेमो में आपको कौन कौन सा तेल निकाल के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मस्टर्ड रखी हुई है, नारियल रखा हुआ है, मूंगफली है, बादाम है और तेल है। इन पांचों का तेल मैं आपको शुद्ध तेल आपकी आंखों के सामने अभी निकाल के दिखाऊंगा। फटाफट से इसका डेमो दिखा दो आप मुझे। बिल्कुल सीमा जी, आइए मैं आपको इसका डेमो आपके अपने हाथों से इनका तेल निकलवा के दिखाता हूं। चलो जी बिल्कुल। तो ये देखो मैं आपको बादाम का तेल निकाल के दिखा रही हूँ अपने हाथों से मशीन में। ये पूरा बादाम में डाल देती हूँ। पूरा डाल दूँ सर? थोड़ा थोड़ा डाल के देखते हैं, ये अंदर चला जाएगा। ये देखो ये इसका खली निकल रहा है यहाँ से, और ये नीचे आप देखो तेल टपक रहा है। ये छन्नी मैंने लगाई पड़ी है, यहाँ पर तेल छन रहा है, साफ तेल, प्योर शुद्ध तेल आपको मिल रहा है। आप इसको चाहे खाइए, चाहे बालों में लगाइए, चाहे स्किन के लिए लगाइए। ये कई चीज़ों से मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे घरों में यूज़ होता है। इसकी हम जैसे मैंने आपको बताया शीशी बना बना करके 100 ml की, 200 ml की या 50 ml की आप मार्केटिंग में सेल कर सकते हो, अपना खुद का ब्रांड बना के GST लेकर के अच्छे लेवल पर बिजनेस बना सकते हो। ये मैं छोटी मशीन में आपको करके दिखा रही हूँ, सेम इसको आप बड़ी मशीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये घरेलू मशीन है जो काफ़ी अच्छी है और फायदेमंद है। उसके बाद सीमा जी, आप ये खली को अपने हाथों से क्रश करके बताइए कि इसमें कोई आपको तेल कंटेंट लगा है या बिल्कुल सूखी है। ये देखो बिल्कुल ताज़ा भी मैंने निकाला है। ये देखो मेरे हाथ बिल्कुल साफ है,
एक बूंद भी आपको ऑयल मिलेगा नहीं। सारा ऑयल छन करके हमारी कटोरी में आ गया है और बिल्कुल भी इसमें वो नहीं है खराबी, मतलब तेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा हाथ में मेरे। और दोस्तों ये जो खली है, ये जो खली है इसको भी कहीं जगह हम यूज कर सकते हैं। हाँ। हम अपने जानवरों की फीड में भी इसका उपयोग ले सकते हैं। जैसे ये बादाम की खली है, जैसे इसको हम अगर ग्रेवी में बनाना चाहें या सर्दियों में पनिया बनाना चाहें वहाँ पे उसका उपयोग ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम खाद के तौर पे भी इसको अपने पौधों में डाल के अच्छा खासा मैन्यूर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पौधों में डालिए। आपने पशुपालन करते हो, गाय को बकरी को और सबको देना चाहते हो तो वहाँ पे अच्छा है, आपकी गाय दूध अच्छा देगी, ठीक है, और बकरियों को लिए फायदा है। बादाम की खली मैंने ढाई है यहाँ से और मैं इसको खा के आपको बताती हूँ कितनी टेस्टी है, और इसका आप लड्डू वगैरह बना सकते हो। यम्मी टेस्टी है, स्वाद आ रहा है बादाम का ही, इसके आप लड्डू बनाइए, अपनी सब्जियों में यूज़ कीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी पनीर बहुत अच्छी बनने वाली है इसके यूज़ से, तो बढ़िया। जी दोस्तों, ये मेगा ऑयल मिल जैसे हमने स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हमने प्लग ऑन करके यहाँ पे हमने टेम्परेचर सेट कर लिया है। मैनुअली ये बटन है, यहाँ से हम अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। हीटर को हमने ऑन किया है और ये जैसे मोटर को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इसकी शाफ्ट चलने लग जाएगी। अभी ये जो मेरे हाथ में मस्टर्ड है, सरसों जिसको कहते हैं, मैं आपको इसका तेल निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने मस्टर्ड इसमें डाल दी, ठीक है, मशीन गरम है और अभी यहाँ से तेल निकलना स्टार्ट होगा। ये खली निकल रही है, ठीक है, ये देखिए ये खली निकल रही है जो हम अपने गाय भैंसों को पशुओं को दे सकते हैं खाने के लिए, ताकि गाय भैंस हमारा अच्छा दूध दें उस तरीका का, ठीक है। ओरिजिनल निकल रहा है मस्टर्ड ऑयल का तेल, हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको सरसों का तेल। इसमें आप काली सरसों वाइट सरसों दोनों ही आप पीस सकते हो। आप सबको पता है कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हर दूसरे घर में आपको मिल रही है, ये गंदा तेल खाने से होता है। यहाँ पे आपको प्योर शुद्ध तेल मिल रहा है आपकी आंखों की नज़रों के सामने, ठीक है। ये अपना खुद भी खाइए, आप इससे बिजनेस बना सकते हो। एक एक किलो का ऑयल आप पैकेट कर सकते हो, आप इसको कंटेनर में भी कर सकते हो, आप डब्बे में भी पैक करके आप ऑनलाइन सेल कीजिए, काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो इसके अंदर में। ये देखो हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं तेल को, बता रहे हैं कि इसका कलर आपको दिखाएंगे, ओरिजिनल तेल, ठीक है। ऐसा होता है मार्केट में जो बिल्कुल येल्लो येल्लो तेल आता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो मिलावट होता है, उसमें केमिकल से छाना जाता है, सब कुछ किया जाता है। यहाँ पे आपको प्योर ओरिजिनल तेल मिल रहा है और काफ़ी लाइट वेट है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कटोरी उठा करके, ये देखिए तेल गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, लाइट वेट तेल है, ये ओरिजिनल तेल आपको मिल रहा है। जोड़ों के दर्द में बेहतरीन काम देने वाला है, आपको खाने में स्वाद देने वाला है। और को मैं ये तेल ऐसे छूकर भी दिखा देती हूँ, देखिए ये देखिए काफ़ी हल्का तेल है और हल्दी जैसा पीला नहीं है बट बहुत अच्छा है, ठीक है। स्मेल भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल तेल की जो शुद्ध सरसों का तेल होता है उसको भूनते हैं ना हम आँच पर हल्का सा, सेम वही स्मेल आती है। प्राइसिंग मुझे बता दो और कस्टमर अपने घर तक कैसे मंगवा सकता है उसके बारे में प्रोसीजर बताइए मुझे। सीमा जी पहले मैं प्राइसिंग बताता हूँ, जो सबसे पहले आप देख रहे हैं मॉडल जो मिनी ऑयल मिल का है, हाँ जी, इसकी कीमत है 22,000 रुपया। अच्छा, अगर आपने घर बैठे मंगवाना है तो एडवांस कंपनी के अकाउंट में आपको 4,000 रुपया डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मॉडर्न ऑयल मिल का, ठीक है, इसकी हमने कीमत रखी है 62,000 रुपया। इसके लिए आपको 5,000 रुपया एडवांस डिपॉजिट कंपनी के अकाउंट में करना है। उसके बाद ये जो मेगा ऑयल मिल है इसकी कीमत है 1,45,000 रुपया। इसके लिए आपको 20,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डालना है। अगर आप डायरेक्टली हमारी कंपनी जो कि पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, यहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोलता हूँ 9855219706 और 9812-31007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chhabbaragri.com के नाम पे, फेसबुक पे हमारा पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है chhabbaragri इक्विपमेंट्स के नाम पे। आप हमारे चैनल पे भी जाके हमारे इस प्रोडक्ट के अलावा हमारे बाकी प्रोडक्ट्स के और भी वीडियोस देख सकते हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ देख सकते हैं। अगर आपने घर बैठे मंगवाना है एडवांस मैंने आपको बता दिया है, आप एडवांस देके अपना नाम पता देखे
अपना एड्रेस देंगे, हम यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच करेंगे। जब प्रोडक्ट लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, आपको बकाया राशि कंपनी के अकाउंट में जमा करवानी है, उसके बाद हम यहाँ से DACC कैंसिल करवा के मशीन की डिलीवरी आपके घर तक करवा के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है सर, तो काफ़ी सारी जानकारी मुझे सर ने दी है और आपको भी मैं आपको लगातार बिजनेस आइडिया देती रहती हूँ, तो आप इसकी तरफ आइए, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑर्गेनिक तेल खुद भी खाइए, अपने पड़ोसियों को खिलाइए और उससे एक अच्छा बिजनेस बनाइए। तो इतने सारे आइडिया देने के बाद अब मैं थोड़ा लेना चाहती हूँ रेस्ट, इसलिए आपको भी करना चाहती हूँ ऑल द बेस्ट। चलेंगे एक और वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।